ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और आज हम लेकर आए हैं ये रीडिंग फॉर सिंगल्स के लिए। आप सिंगल हो सकते हैं लाइफ में किसी भी रीज़न से, चाहे वो आप अभी अपने लिए एक क्रश के लिए कुछ देख रहे हैं ये रीडिंग, या फिर आपकी लाइफ में कुछ नो कांटेक्ट आया है, या सेपरेशन है, डिवोर्स है, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से फ़िलहाल लाइफ में आप सिंगल हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या फिर एक पार्टनर की आपको तलाश है, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, या फिर अपने न्यू लव का। सो जो भी होगी रीडिंग हम देखेंगे, हम पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की, फिर लव ओरेकल से आपके लिए निकालेंगे क्या गाइडेंस है, एंड फाइनली आपके लिए एक गाइडेंस निकालेंगे। सो ये होगी रीडिंग। सो फ्रेंड्स, इसे सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें सब्सक्राइब करके, एनर्जी को क्लेम करा करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि और किन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकती हूँ। और लास्ट, अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है फ्रेंड्स। सो लिब्रा राशि, आइए देखते हैं तुला राशि कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। अगर आप लाइफ में सिंगल हैं तो क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, अगले एक हफ्ते आपकी कैसी एनर्जीज रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपसे रीडिंग पहले, ठीक है। सो टेन ऑफ कप्स, द डेविल, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, आई एम सॉरी, बट फिर आप कोई लिब्रा उठ के कहें, ये ना कहे कि मैं लिब्रा के लिए कुछ गलत रीडिंग करती हूँ। आई एम सॉरी लिब्रा, बट जो आएगा मैं वही बताऊँगी। और प्लीज़ देखिए, मुझे ये दिख रहा है लिब्रा कि आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं अभी। एज ऑफ नाउ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंडिंग हुई है, बहुत इस एंडिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड दिख रहे हैं मुझे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और निकल रहे हैं। अब आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इतनी अच्छी मेरी इस पर्सन के साथ कमिटमेंट थी, अगर कमिटमेंट थी होल लाइफ की, फ्यूचर की, कि मैं इससे शादी करूं, फ्यू बच्चे हो, ये हो वो हो, या फिर आपकी ऑलरेडी ये सब एक सिचुएशन हो चुकी है जहाँ पर ये सब पहले ही बच्चे शादी सब थे और इस पर्सन ने उस पूरी एक कहानी को ख़राब करा है। सो आप बहुत ज़्यादा मुझे पेन में दिख रहे हैं, बट हाँ, आप जो चीज़ इस नेगेटिविटी से आप रन कर रहे हैं, आप यू जस्ट वांट टू लीव द नेगेटिविटी। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं एक नई शुरुआत। अगले हफ्ते आप इस पूरे प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्रेश चैप्टर ओपन करना चाहते हैं, इस दुखी चैप्टर को अब आप बंद करना चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए और मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं और फ्रेश तरीके से शुरुआत करूं। सो गुड एनर्जी दिख रही है मुझे लिब्रा, जिन जिन से भी ये रेजोनेट कर रही है प्लीज़ मुझे बताना कैसा है। और देखते हैं कि आपके एक्स के क्या हाल हैं, वो क्या सोचते हैं, अगर आप अब ऐसा कर रहे हैं आने वाले टाइम में अपनी सिचुएशन में मूव कर रहे हैं, सो क्या वो वापस आना चाहते हैं या वो कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। सो उनकी तरफ से सोचते हैं, देखते हैं रीडिंग को। सो क्या किस कौन आ रहा है वापस, एक्स आ रहे हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए, अगर ये आपके एक्स के बारे में बात करूं तो वो बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में है। जितना आपको अफसोस है ना, जितना आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, जितना आप परेशान थे, अभी मैंने आपकी एनर्जीज निकाली, जितना आप दुखी थे, ये इंसान उतना नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत चाइल्डिश है, बहुत ही हल्की एनर्जी में है ये पर्सन, आपको डिज़र्व भी नहीं करता था, ये आपके लेवल का था ही नहीं, ठीक है। आपने शायद इसको बहुत ज़्यादा सर चढ़ा लिया, जिसकी वजह से इसने आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हर्ट किया,
और आप कितना परेशान होकर अब मूव ऑन करके एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ इसको इतनी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जो शायद इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है, एक न्यू बिगनिंग कर सकता है। लेकिन इसे ना पता क्या चाहिए लाइफ में, इसे चाहिए सेलिब्रेशन, ठीक है। इसे लाइफ में अभी कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो एक ऐसे लेवल पे जाए चीज़ें, जहाँ पे चीज़ें संभल जाएं। इसको चाहिए सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, लाइफ डिफरेंट वे में जीना चाहता है ये, ठीक है। अब अगर मैं एक न्यू पार्टनर की बात कहूँगी, अगर आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वो पर्सन है बहुत ज़्यादा फन फील्ड, बहुत खुश रहने वाला, ज़िंदगी को ग्रो करने वाला, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अभी इतना सिंसियर नहीं है इस आपके साथ लव एंड रिलेशनशिप को लेके। मे बी फ्यूचर में जाकर जब एनर्जी बहुत अच्छी लेवल पे चली जाए तब शायद ये एक डिफरेंट जोन में जाए, बट एज ऑफ नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू अ डिफरेंट जोन, बहुत इन्जॉय वाले जोन में हैं। जैसे नए नए यंग लड़के होते हैं 20-25 साल वाले, बिल्कुल वैसे वाले जोन में है। सो अभी मुझे इनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आप यू माइट बी अट्रैक्टिंग कुछ इस तरह की यंग एनर्जी। अब मैं देखती हूँ लव ओरेकल से आपके लिए क्या है कार्ड्स। सो लव ओरेकल से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं। सो लिब्रा, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिरेकल्स को। जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो ज़रूर रियलिटी बनेंगे। मे बी अभी आपको शायद मुश्किल लगता है कि नहीं होगा, बट आने वाले टाइम में इट विल हैपन। आप अपने दिल को, अपने मन को बस अपने रास्तों पे चलते जाएं, वो रियलिटी ज़रूर बनेंगे, ठीक है। एंड फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, तो कुछ भी आपको रोक नहीं रहा है और आप अपनी लाइफ में फ्री हैं, ठीक है। रास्ता क्लियर है, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, ठीक है। रास्ता बिल्कुल साफ है। जो जो आपने लिब्रा परेशानियाँ दुख झेले हैं, अपने आप को बांध के रखा था ना, नाउ इट्स टाइम टू गेट फ्री। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं लिब्रा आपके लिए। रीडिंग भी आज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। आप बहुत अच्छे से चीज़ों से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। डिवाइन गाइडेंस फॉर लिब्रा, लक इज ऑन योर साइड। सो लिब्रा, किस्मत आपका ही साथ देगी, जो मर्जी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, पर भगवान और किस्मत आपका ही साथ देंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो अपने बस अहंकार मत करना किसी चीज़ का। अगर वक्त आपका साथ दे रहा है और आपको लग रहा है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो इस बात का अपने ऊपर घमंड मत आने देना। कोई ईगो गेम मत खेलना, कोई मैन्युपुलेशन मत करना, बट जो सच्चाई के रास्ते पे आप चलते आ रहे हैं उसी से चलते रहें आगे भी, ठीक है। सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हों। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, रीडिंग को लाइक करना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ।